ये देखो, अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो अभी से गोल्ड को सेव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई 7th एनिवर्सरी स्पेशल मस्त सा गोल्ड रोल आने वाला है। यही नहीं, न्यू प्रोफाइल एनिमेशन का रिव्यू निकल के आ चुका है, अपडेट देने वाला अपने कोबरा बंडल को लेकर, और अपडेट निकल के आ चुकी है ट्रैप बंडल को लेकर, इवोकन टोकन डिस्काउंट इवेंट को लेकर एक मस्त सी अपडेट देने वाला। और टोटल आज मेरे पास इतनी मस्त मस्त सी अपडेट है कि भाई आपकी लुंगी ढीली हो जाएगी। खाओ माँ कसम तुम्हारा ताओ जी। अगर आपको आज का मध्य रात्रि अपडेट पता नहीं है तो कल अपने गेम के अंदर आर्टिक ब्लू बंडल का एक रिंगी इवेंट आएगा, और साथ में गैस आपको ठीक है मस्त सा गोल्ड को इवेंट को क्लेम करने का मौका मिलेगा। तुम्हारा ताओ जी, आपको पता होगा ठीक है, अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर एक ड्रैगन वाला स्काई विंग आने वाला है, जिसका आप लोगों ने रिव्यू देखा होगा। अब यार इसका जो प्रोफाइल एनिमेशन है, इसका भी रिव्यू निकल के आ चुका है। बैकग्राउंड के अंदर गैस आप लोग प्रोफाइल एनिमेशन को देख सकते हो, ठीक है भाई। कुछ क्या बोले, सर्कस का वो क्या होता है, रोलर कोस्टर, ठीक है भाई, कुछ रोलर कोस्टर बन रहा है ड्रैगन वाला। अच्छा खासा गाइस इसके अंदर एंट्री वगैरह होते हैं, ठीक है। तो भाई ओवरऑल गाइस मुझे जो ये प्रोफाइल एनिमेशन ये काफी मस्त लगा, और भाई खास करके इसकी स्काइविंग की स्किन भी। पल्लू घुमा के आपको बता दूं कि स्काइविंग की स्किन और इसका प्रोफाइल एनिमेशन दोनों ही फ्री फायर के 7th एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल है, यानी आपको 7th एनिवर्सरी में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस एक और प्रोफाइल एनिमेशन का रिव्यू निकल के आ चुका है, जो कि यहाँ पे आप लोग देखो, ठीक है भाई, सुपरस्टार वाला प्रोफाइल एनिमेशन आपको मिलने वाला है। इस वाले प्रोफाइल एनिमेशन के मुकाबले जो गाइस ड्रैगन वाला प्रोफाइल एनिमेशन है, मुझे भाई वो कहते बवाल टाइप का लगा है, ठीक है। बाकी तो भाई यार ये प्रोफाइल एनिमेशन ठीक ठाक यार मिल जाता है। बाकी गाइस आपको पता होगा इस तरह के जो प्रोफाइल एनिमेशन होते हैं वो अपने गेम के अंदर मोको स्टोर इवेंट के अंदर आते हैं, लेकिन जो ड्रैगन वाला एनिमेशन और स्काइविंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई और इवेंट के अंदर आएगा, क्योंकि ड्रैगन वाला स्काइविंग और उसका जो प्रोफाइल एनिमेशन है ये बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मे बी पॉसिबल या कि आपको रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। लास्ट बार फ्री फायर के 6th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर कुछ नए रिवॉर्ड नहीं थी, इस वजह से गाइस गरना ने ठीक है जो ट्रैप इवेंट के थीम पे रिवॉर्ड बनाए थे उसे भाई अपने 6th एनिवर्सरी के साथ जोड़ दिया था। यानी 6th एनिवर्सरी इवेंट ही ट्रैप इवेंट था और ट्रैप इवेंट ही 6th एनिवर्सरी था, ठीक है भाई, दोनों का भेल पूरी कर दिया था। तो इसलिए गाइस यहां पे अपडेट ये निकल के आ रही है कि अपने फ्री फायर की 7th एनिवर्सरी इवेंट का टाइम नहीं तो गाइस इससे पहले ही अपने जो ओल्ड ट्रैप इवेंट के बंडल वगैरह, ठीक है, रिवॉर्ड वगैरह लाइक इमोट वगैरह वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट ट्रिप इवेंट का जो मेल बंडल है वो बहुत ही मस्त है, ठीक है, एनिमेशन के मामले में। लेकिन मेरे को लगता है कि भाई ठीक है निकालने के बाद आपको इतना कुछ मजा नहीं आएगा खेलने में, लेकिन लिखने के मामले में काफी मस्त आपको मिल जाता है। जो अपने गेम के अंदर ट्रिप इवेंट के रिवॉर्ड रिटर्न में आने वाले, इनके साथ कैसे ये भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई गरना फ्री फायर जो है ना वो अपने 7th एनिवर्सरी स्पेशल नए रिवॉर्ड को तो डिजाइन करेगा ही। 7th एनिवर्सरी स्पेशल जो कैसे नए रिवॉर्ड के इवेंट आएंगे उनके साथ में जो अपने ओल्ड ट्रिप इवेंट के रिवॉर्ड है वो देखने को मिल जाएगा, तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। बाकी गाइस जो भी हो, ठीक है, अपने भाई बहुत जल्द अपने गेम के अंदर धीरे धीरे करके जो ओल्ड ट्रैप इवेंट का रिवॉर्ड है या फिर बोल दो 6th अपने एनिवर्सरी इवेंट के रिवॉर्ड है वो धीरे धीरे करके अपने गेम के अंदर अलग अलग इवेंट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि गाइस ये भी अपडेट है कि जो अपना 6th एनिवर्सरी स्पेशल आपको याद होगा, ठीक है भाई, एक नया थ्रोन इमोट आया था, ग्रुप डांस इमोट, ये भी अपने गेम के अंदर रिटर्न में आएगा। ये सारे जो ट्रैप इवेंट के रिवॉर्ड है गाइस ये आपको नेक्स्ट महीने से लेके गाइस अपने अगस्त महीने तक, ठीक है भाई, आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलते जाएंगे। जैसे जैसे गाइस वक्त बीतता जाएगा इनके इवेंट वगैरह भी कंफर्म होते जाएंगे। ओबी 45 अपडेट के बाद गरना अपने गेम के अंदर काफी सारी चीजें रिटर्न में ला रहा है, ठीक है, जैसे कि अपना ओल्ड पीक ग्लाइडर। लेकिन भाई इन चीजों को इस तरह से ला रहा है कि भाई अपने को अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। जैसे कि गाइस ओबी 45 अपडेट के बाद काफी सारे लोकेशन पे आपको कुछ इस तरह से मशीन देखने को मिलेगी, हालांकि गाइस आपको इसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ये मैप के अंदर शो नहीं होता, लेकिन फिर भी गाइस ये ठीक है एक मशीन है, एक पीक के साइड आपको मिल जाएगा। तो आपके पास अगर एडवांस सर्वर है तो ट्राई करना है, ठीक है। खैर गाइस यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको यूज का बटन देखने को मिलेगा। आसमान में जाने के बाद भाई यहाँ पे जो ग्लाइडर है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली गाइस आ जाता है और यहाँ पे भाई आप कुछ इस तरह से हरकतें वगैरह कर सकते हो। यार फीचर काफी मस्त है, ठीक है, लेकिन जो भाई डिस्टेंस है ये बहुत कम डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है भाई, इससे गाइस आप लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे नहीं जा सकते। ये तो गाइस मशीन के आसपास में लैंड वगैरह करवाता है, ठीक है भाई। कुछ ऐसा करो कि जैसे कि ठीक है भाई पिक्स अगर इसे यूज करते हैं तो आप लोग कम से कम तो भाई ठीक है जो अपना बीमा शक्ति टावर है वहाँ पे तो जा पाए। बीमा शक्ति लोकेशन और जो गैस अपना पीक है, ठीक है गैस, उनके बीच में भी कुछ इस तरह का मशीन एक लगाया गया है और यहाँ से भी भाई आप लोग ग्लाइडर का यूज वगैरह कर पाओगे। ये वाला फीचर मुझे कते बवाल टाइप का लगा है, ठीक है, लेकिन भाई डिस्टेंस बहुत ही कम कवर करता है, ठीक है भाई, आपको कुछ खास मौका नहीं मिलेगा ग्लाइडर को भाई खास तरीके से यूज करने का। यार अगर भाई आप लोग ठीक है भाई अपने ओल्ड दिनों की तरह जो ग्लाइडर है उसे पर्सनल तरीके से यूज कर पाते तो भाई बहुत ही मजा आता है, ठीक है भाई, ये फीचर तो आ
आ रहा है लेकिन यार कुछ काम का भी नहीं है। खैर गाइस ठीक है, जो नए प्लेयर है उन्हें तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप लोग भाई ठीक है ओल्ड प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि भाई वो यार क्या दिन भी क्या दिन थे भाई, जब आप लोग भाई ग्लाइडर का यूज करते भाई कितना मजा आता था। खैर गाइस घरना के मालिक का चावल है ठीक है भाई, जो ग्लाइडर का फीचर है उसे प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, तो उसके लिए मैंने भाई एक शायरी बनाई ठीक है, बूम बूम जादुई खोपड़ी घरना की बीवी हो जाए टकली आई, क्या मतलब की शायरी फालतू थी। अगर गाइस आप में से कोई भी हर ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर स्पिन करता है या फिर गाइस आपको ईवो गन को चलाने में मजा आता है ठीक है, तो भाई काफी सारे लोग भाई ईवो गन टोकन है उनका डिस्काउंट इवेंट आने का वेट कर रहे होंगे। ये जो गाइस ईवो गन के टोकन है इनको लेकर यहाँ पे दो अपडेट निकल के आ रही है ठीक है। सबसे पहले गाइस अपडेट है कि जो अपने स्टोर के अंदर ईवो गन के टोकन के बॉक्स है उनके अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, लाइक गाइस 40% ऑफ। हालांकि गाइस इस तरह के इवेंट अपने गेम के अंदर हमें बहुत ही कम देखने को मिले ठीक है, यू कह सकते तो कह सकते कि भाई ना के बराबर ही इवेंट आए हैं। दूसरी गाइस अपडेट कि अपने गेम के अंदर ठीक है जो ईवो बोनस इवेंट है कुछ इस तरह के ठीक है ईवो गन को अपग्रेड करने का जो इवेंट वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस जो भी अपने गेम के अंदर इवेंट आने वाला होगा ईवो गन के टोकन को लेकर वो आपको देखने को मिलेगा फ्री फायर के 7th एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल। और इस बार के फ्री फायर के 7th एनिवर्सरी स्पेशल गाइस आपको जो स्टोर है ठीक है उनके काफी सारे सेक्शन के अंदर आपको 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा। आज से पहले भी भाई अपने गेम के अंदर जो स्टोर है उन वहां पे बहुत सारे डिस्काउंट इवेंट आ चुके हैं ठीक है, जैसे कि फर्स्ट डे सेल नाम का इवेंट आता था ठीक है जिनमें अलग अलग सेक्शन में डिस्काउंट देखने को मिलता था। तो गाइस अगर आप में से कोई भी ईवो गन के जो टोकन के ठीक है डिस्काउंट आने का वेट कर रहा है तो आपको गाइस 7th एनिवर्सरी स्पेशल यानी आपको अगस्त महीने में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस 7th एनिवर्सरी स्पेशल तो डिस्काउंट इवेंट आएगा ही लेकिन इससे पहले भी आने वाला होगा, तो मेक श्योर गाइस मैं आपको आने वाले वक्त के अंदर भी इसके बारे में अपडेट वगैरह देता रहूंगा। यार लास्ट वीडियो के अंदर एक भाई ने कमेंट करा था कि घरना के मालिक चावली ने कोई कैटर के अंदर छेड़खानी करी है। अब यार देखो नया अपडेट आने वाला हो और घरना का मालिक चावली कैटर के अंदर छेड़खानी ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या मेरी जान? अगर गाइस आप में से कोई भी स्काइलर चाचा कैटर को यूज करता है तो आपके लिए एक काफी मस्त सी गुड न्यूज है। हालांकि इसके अंदर चेंज हुआ है लेकिन चेंजेस कते मस्त है। अभी भाई जो अपना स्काइलर चाचा है ठीक है भाई वो 100 मीटर की रेंज तक एक सोनिक वेव फेंक सकते है ठीक है, लाल गोला आपको पता होगा। स्किल टाइम गाइस 6 सेकंड है लेकिन इसका जो कूल डाउन टाइम है गाइस ठीक है अपने को 45 सेकंड तक रहता है, यानी 45 सेकंड के बाद ये वापस से गैस एक्टिव हो जाती है। कूल डाउन गैस होने के बाद जो स्कैलस का स्टार्च आईडी के गैस उनकी एबिलिटी को आप यूज कर पाते हो लेकिन कितनी बार? एक बार। लेकिन मेरा ताऊ जी अपडेट के बाद जो अपना क्या बोले स्काइलर चार्ज आईडी के गैस ये पर सेकंड 500 का डैमेज देगी जो ऑब्स्टेकल यानी गैस ग्लू वॉल को, और गैस अपडेट के बाद इसका जो ठीक है एक्टिव क्या बोले यूज करने का टाइम है उसे दुगना कर दिया है। कूल डाउन टाइम गैस वही सेम टू सेम रहेगा 45 सेकंड, लेकिन क्या है चेंजेस आइए आपको बता दो। ये जो गाइस यहाँ पे आप लोग क्लिप देख रहे हो ठीक है गाइस ये है अभी के अपने स्काइलर चाचा की, और भाई आपको पता होगा ठीक है भाई अभी जो अपने स्काइलर चाचा है ठीक है गाइस उनकी आप लोग एबिलिटी एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे इसके एबिलिटी को यूज करोगे ठीक है भाई लाल गोला निकलेगा और ग्लू को तोड़ देगा। अब यहाँ पे जो स्किल है आप उसे यूज नहीं कर पाओगे ठीक है, तकरीबन गाइस 40 सेकंड के बाद जब कूल डाउन हो जाएगा तब आप यूज कर सकते हो, यानी एक ही बार यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे भाई अपने नजर को गाड़ दो ठीक है, ये है अपने ओबी 45 अपडेट के बाद का स्काइलर चाचा ठीक है। टोंक टोंक मैंने यहाँ पे गाइस 2 ग्लू वॉल को लगा दिया है ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो स्काइलर चाचा की एबिलिटी है आप लोग उसे 2 बार यूज कर पाओगे। ये हमारा गाइस जोर से ठीक है, और यहाँ पे ग्लू वॉल टूट गई। अब यहाँ पे अपने पास 1 बार एबिलिटी और बची है, ये हमारा भाई टोंक और ये भी भाई टूट गई। तो टोटली गाइस यहाँ पे अब आप लोग 2 बार एबिलिटी को यूज कर पाओगे। बाकी जो भाई कूल डाउन टाइम था गाइस वही सेम टू सेम रहेगा 45 सेकंड ठीक है। तो भाई ये यूक है तो भाई 1 बार आप लोग और यूज कर पाओगे इसकी एबिलिटी को, क्योंकि भाई काफी मस्त भाई मजे मजे कर देने वाला चेंजेस रहेगा। देखो गाइस मैं तो के कैटर की एबिलिटी को यूज करता हूँ ठीक है भाई, मेरे को के कैटर की एबिलिटी में मजा आता है क्योंकि भाई मेरे को तो चाहिए एचपी। बाकी आप कमेंट के अंदर बताओ कि आप भाई स्काइलर चाचा जो कैटर है उनका यूज करते हो, अगर हाँ तो भाई फिर तो आपके मजे ही मजे। अब तक गाइस अपने गेम के अंदर कोबरा बंडल और अपना स्कॉर्पियो ईव बंडल जो की एक नेक्स्ट रिटर्न ईव बंडल रहेगी, लेकिन आखिर ये कब आएगी यह आप सभी का क्वेश्चन है। ये जो गाइस अपना स्कॉर्पियो ईव बंडल है इसको लेकर यहाँ पे सबसे पहले अपडेट तो ये थी कि ये जून महीने के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से अपना जो कोबरा बंडल है वो आएगा अपने फ्री फायर के 7th एनिवर्सरी में। लेकिन अभी का हाल ये है कि अपना जून महीना स्टार्ट भी हो गया है लेकिन अभी तक स्कॉर्पियो बंडल को लेकर कोई अपडेट ही नहीं मिली। फिर कैसे वक्त बीतने के साथ ठीक है प्रेजेंट में ये अपडेट है कि अब जो अपना स्कॉर्पियो ईवो बंडल है वो फ्री फायर के 7th एनिवर्सरी स्पेशल गाइस अपने गेम के अंदर रीलॉन्च किया जाएगा। इसका गाइस साफ मतलब ये हुआ कि जो अपना कोबरा बंडल है गाइस उसे और ज्यादा डिले किया जाने वाला है। अब ये जो गाइस अपना कोबरा बंडल है ये
आपको सितंबर या फिर अगस्त अक्टूबर महीने के आसपास में इसका इवेंट अब हमें अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि गाइस कोबरा बंडल जो लवर है उनके लिए एक बैड न्यूज है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। बाकी गाइस ये भी आप लोग मत बोलो ठीक है कि भाई हाँ कन्फर्म ही है कि सब सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में आएगा ठीक है, ना मुन्ना ना ऐसा भी नहीं है ठीक है, इससे पहले भी आने वाला होगा तो अपने को अपडेट तो मिलेगी ही। देखो गाइस कोबरा बंडल ना आने का सबसे बड़ा रीजन है अपना स्कॉर्पियो इवो बंडल, क्योंकि भाई यही बीच में एक पेंडिंग बंडल पड़ा है ठीक है, जिससे भाई करना पहले देगा फिर बाद में देगा। जिस दिन भाई स्कॉर्पियो इवो बंडल आ गया समझ जाना कि कोबरा बंडल भी आ रहा है। ये थे गाइस अपने कोबरा बंडल को लेकर अपडेट, अभी इसको लेकर कोई भी आपको कन्फर्म अपडेट वगैरह नहीं देगा ठीक है, और गाइस ना ही मैं आपको कन्फर्म बोलूंगा और ना ही आपको कोई कन्फर्म बोलेगा भी। बाकी गाइस अब तक तो मैंने आपको काफी सारे डायमंड वाले इवेंट के बारे में बता दिया, आइए अब आप लोग बात करते हैं फ्री फायर के 7th एनिवर्सरी स्पेशल आने वाले इवेंट के बारे में। इस बार गाइस आपको फ्री फायर के 7th एनिवर्सरी स्पेशल एक मस्त सा गोल्ड रोल इवेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर गाइस आपको ओल्ड एनिवर्सरी के अच्छे खासे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। नॉर्मल सी बात है कि अपडेट के बाद फ्री फायर के 7th एनिवर्सरी स्पेशल गाइस नए रिवॉर्ड एड हो गए, तो वो नए रिवॉर्ड के अंदर से भी कुछ रिवॉर्ड इस गोल्ड रोल के अंदर आपको देखने को मिलने वाले है। ज्यादातर गाइस अपने गेम के अंदर बंडल को लेकर स्पेशल गोल्ड रोल इवेंट वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर गाइस आपको अच्छा खासा गोल्ड का ठीक है बंडल वगैरह आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे गाइस आपको कुछ अच्छे खासे इमोट वगैरह भी देखने को मिलेंगे। दिवाली इवेंट के टाइम आपको याद होगा ठीक है इमोट का भी स्पेशल गोल्ड रोल देखने को मिला था, यू का तो भाई मल्टीपल गोल्ड रोल आए थे, तो इसके अंदर भी कुछ इस तरह का सीन रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको अच्छे गन स्किन वगैरह भी क्लेम करने को मिलेगी। अब ये जो गाइस यहाँ पे आप लोग इवेंट को देख रहे हो ठीक है, ये एक प्रयास है, तो भाई ये मत सोचना कि ये सारे रिवॉर्ड सेम टू सेम ऐसे आएंगे ठीक है, इवेंट के जो रिवॉर्ड है वो चेंज हो गए, इससे भी अच्छे आ सकते हैं या फिर इससे बुरे भी आ सकते हैं। ना ना भाई बुरा नहीं आएगा ठीक है, आपको अच्छे रिवॉर्ड ही इस बार के स्पेशल गोल्ड रोल के देखने अंदर मिलने वाले हैं। बाकी गाइस अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो भाई सेव करना स्टार्ट कर दो, खास करके अगर आप लोग गेम के अंदर टॉप अप वगैरह नहीं करते फिर तो भाई आपके पास गोल्ड होना ही चाहिए ठीक है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर गोल्ड को लेकर और भी काफी इवेंट देखने को मिलेंगे। और ये गाइस गोल्ड रोल आएगा 7th एनिवर्सरी इवेंट के टाइम अपने अगस्त महीने के आसपास। बाकी गाइस जो एनिवर्सरी इवेंट स्टार्ट होने वाला होगा तब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये डेट वगैरह रहेगी। बाकी तब तक के लिए गाइस फ्री मैजिक क्यूब और मैजिक क्यूब के अंदर नया बंडल एड कब हो गए वो आपको जानना है लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। 7th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में और भी कुछ जानना है राइट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो।